બમણની નીલકંઠ સોસાયટીમાં ફિટ કરવામાં આવેલા એસટીપી પ્લાન્ટનું ઉદઘાટન મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર જયંતિ પટેલ અને એસપી દમણિયાના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. રૂપિયા 4 લાખથી વધુના ખર્ચે બનાવવામાં આવેલા પ્લાન્ટમાં બાથરૂમ અને ટોયલેટના પાણીને સીધું ફિલ્ટર કરી તેનો ઉપયોગ ગાર્ડનમાં કરવામાં આવશે, જેના કારણે અત્યાર સુધી આ ગંદુ પાણી સીધું ગટરમાં છોડી દેવામાં આવતું હતું, જેના કારણે પોલ્યુશન પણ થતું હતું. જોકે આ પ્લાન્ટ શરૂ થતા જ આ પાણીને ફિલ્ટર કરી ગાર્ડનમાં ઉપયોગમાં લેવાશે. दमन नगर पालिका में म्यूनसिपल काउंसिल में जो नीलकंठ अपार्टमेंट्स आए हैं, इनके प्रेसिडेंट धर्मेश जी, अटोटर साहब, डिम्पल जी और आज के अतिथि हमारे मित्र काउंसिलर जिंटी भाई यहाँ पे आए थे नीलकंठ में. और ये पहला सोसाइटी है जिसने एसटीपी प्लान 35 KV का यहाँ पे लगाया है. 33,000 लीटर्स वो फिल्टर करेगा और फिर वो प्योरीफाई करेगा पानी में, और जो वो पानी गार्डन में काम लगेगा. तो हम लोग तो बातें ही करते थे, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है. आपने देखा होगा इतना बड़ा कॉलोनी है और सी व्यू है इनका. नॉर्मली क्या होता है कि ये एसटीपी प्लांट 84 फ्लैट्स से और 4,50,000 के करीब पड़ा हुआ है. एवरेज कॉस्ट देखने जाए तो 7,000 पर फ्लैट आता है, लेकिन सोसाइटी में क्या है, कोई निकालते नहीं है पैसे. घर के अंदर इंटीरियर कर देंगे, मोबाइल ले लेंगे 25-30 हज़ार का, टीवी ले लेंगे, इंटीरियर्स ले लेंगे, लेकिन कोई सोचता नहीं है कि प्योर वाटर, अच्छा वाटर, जो व्यू इतना अच्छा है. लेकिन क्या फ़ायदा अगर ये जो सीवेज का पानी उधर ही जाएगा, नाले में से जाके दरिया में जाएगा, दरिया पोल्यूट हो जाएगा. तो बहुत सारा उसका डिसएडवांटेजेस है. व्यू लीजिए अच्छी स्वास्थ्य के लिए और अच्छी कार्य के लिए. तो मैं बोलता हूँ ये बहुत अच्छा ऐतिहासिक कदम है. ये पहला सोसाइटी है मेरे ख्याल से, होटल्स में सभी ने लगा दिया है, और मैं विश करता हूँ ये एग्जांपल सेट करें और आने वाले जो हमारे वार्ड्स में है वो भी सोसाइटी इसी तरह के प्लांट्स लगा रहे. इससे बहुत फ़ायदा है. पानी जो गंदा पानी जाता है नालों में और रिवर्स हमारी पोल्यूट होती है, हमारे दूसरे लेवल वाटर लेवल जो डिक्रीज़ होता है, इससे वाटर लेवल बढ़ेगा. गार्डन भी बना सकते हैं, गार्डन में ये पानी यूज़ हो सकता है. और इसी तरह करते जाओ, ये मेरा विश है. और नगर पालिका की ओर से मैं इनको बधाई देता हूँ, और मीडिया को भी बोलूँगा इस तरह का इसको हाईलाइट करिए और एक एग्जांपल सेट करिए, ताकि और भी अलग अलग सोसाइटीज़ वाले फॉलो करें.